हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गपशप विद ईशी। और आज मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में हम लोग किस तरीके से लोहड़ी और संक्रांति सेलिब्रेट करने वाले हैं वो दिखाने वाली हूँ। हमारे कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से प्रोग्राम हुआ, किस तरीके से लोहड़ी जलाया गया, तो वही है बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अपने बालकनी से व्यू दिखा रही हूँ किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। चेयर्स वगैरह बिछे हुए हैं और बीच में इस तरीके से एक मेटल का मीन्स ये टाइप का बना करके रखे है जहाँ पे वुड को जलाया जाएगा। और ये क्लिप मैंने ऐड किया है, आप देख सकते हो कितना हवा चल रहा है, पेड़ के पत्ते बहुत ही ज्यादा हिल रहे थे और उस दिन लाइक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे मिल गए हैं, तो अभी हम उनसे जानते हैं वो लोग किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं लोहड़ी को। आइए, ये देखिए मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। हैप्पी लोहड़ी। तो आप लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे? हमें तो बहुत मजा आ रहा है। आज हमारी सोसाइटी में सब लोग लोहड़ी मना रहे हैं, बहुत खूब एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं इतनी ठंड है, लेकिन फिर भी इन्होंने पूरा बिल्कुल कोई भी स्वेटर और कुछ भी नहीं है, और नॉर्मली ये दो दो कपड़े पहन के आते हैं और आज बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। और आप देख सकते हैं आज बहुत ही ज्यादा ठंड, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ गिर रहा हो। आज इनको ठंड नहीं लग रही है, ठंड नहीं लग रही है, बहुत मजा आ रहा है। जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो हमें अच्छा लगता है इसको मनाना। और आप बताओ, आप सबको मेरी ड्रेस कैसी लगी? बिल्कुल, आप लोग कमेंट करके जरूर हमें नीचे बताना कैसा लग रहा है इनको ड्रेस। वाओ, यू आर लुकिंग लग रहा है, आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो, स्लिम भी लग रहे हैं पहले से। बिल्कुल बिंदास लग रहे हैं आज, बिंदास। नहीं, हमारे ब्लॉग में और भी हम कुछ दिखाने वाले हैं, क्या क्या हो रहा है, कैसे हम मस्ती कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं, तो बने रहिए आप लोग। हम आपको अपने आने वाले को सेशन में करेंगे, आप बताना आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा। बिल्कुल, हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बने रहिए आप लोग हमारे इस ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं शाम का टाइम है और यहाँ पे अभी मीन्स इन सारी लकड़ियों को जलाने की कोशिश की जा रही है। और बाजू में ही एक भैया ढोल बजा रहे थे, बहुत ही मीन्स एटमॉस्फेयर बिल्कुल खुशियों से लहरों से भरा हुआ था, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। सारे रेसिडेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत ही ज़्यादा उस दिन ठंड थी, तो जल्दी से लकड़ी मीन्स आग पकड़ना नहीं चाह रही थी। आप देख सकते हैं मेरे इस ब्लॉग के थ्रू बहुत ही कठिनाई हो रही थी, बहुत बार उनको बार बार घी और तेल ये सब डाल करके मीन्स लकड़ियों को वैसा सुलगाना पड़ रहा था, तब जा करके कहीं जा करके ये लकड़ियों में आग पकड़ा था। और पीछे में ढोल नगाड़ों की आवाज़ बहुत ही सुंदर और बहुत ही मन भाने वाला लग रहा था, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल का टाइम फील हुआ। सारे लोग इकट्ठे हुए चारों तरफ में, एनवायरनमेंट में एक खुशी का माहौल था, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ रेसिडेंट्स के बच्चे और बड़े लोगों ने बहुत ही अच्छा पंजाबी भांगड़ा में डांस किया, अलग अलग नृत्य प्रदर्शन किया हमारे सामने, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम सभी लोग यहाँ पे बैठ करके आनंद ले रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टी ऑलमोस्ट हो चुकी है, सारे लोग अब यहाँ पे मिलजुल करके डांस कर रहे हैं, कुछ सेल्फी ले रहे हैं। तो ये सब करने के बाद हम बगल में ही हमारा फूड स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे अलग अलग वैरायटीज के वेज खाना अवेलेबल था, तो हम भी यहाँ पर आ चुके हैं।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से कढ़ाई को पलट पलट करके एक रोटी बना रहा था जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही अच्छा था। और फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट दिन हम यहाँ पे काइट उड़ाने के लिए जाते हैं अपने छत पे। और यहाँ पे आप हमारे पूरे सोसाइटी का व्यू देख सकते हैं, ऊपर से बहुत ही सुंदर और प्यारा सा लग रहा था, चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग। और यहाँ पर मैं थोड़ा मस्ती करते हुए यहाँ पे मीन्स काइट उड़ा रही हूँ यहाँ पे। तो ये एक मेरा एक छोटा सा बिल्कुल ब्लॉग था, मीन्स किस तरीके से हम लोगों ने मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया, किस तरीके से एंजॉय किया, धूम किया और क्या क्या मस्ती हुआ हमारे साथ। तो आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप लोग नए हैं मेरी इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरा जंगल बन गया, जंगल आप देख सकते हैं, तो यही है हमारा छत। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।